मरीजों की सहायता में एमजीएम मेडिकल कॉलेज किशनगंज मददगार साबित हुआ है। कॉलेज प्रशासन की सक्रियता से कोरोना मरीजों को संकट की घड़ी में काफी सहायता मिली है। पेश एक रिपोर्ट। मानवता के लिए मददगार बनकर सामने आ रहे हैं, जो समाज के लिए नजीर पेश कर रहे हैं। एक ओर जहां कोरोना संकट के बीच कालाबाजारी और लूट की खबरें शर्मसार कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ किशनगंज से पूर्णिया के लिए राहत भरी और सुकून देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल 12 मई को पूर्णिया में तकनीकी कारणों से ऑक्सीजन प्लांट खराब होने की वजह से वहां के सैकड़ों कोविड मरीजों की हालत खराब होने लगी और ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई थी। ऑक्सीजन के अभाव में लगभग 200 मरीजों के जान पर खतरा मंडरा रहा था। इस बात की सूचना एमजीएम मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को मिलते ही बिना किसी विलंब के एमजीएम मेडिकल कॉलेज से लगभग 50 पीस जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर को पूर्णिया के विभिन्न नर्सिंग होम में भेजकर मरीजों की जान बचाई और मानवता का परिचय दिया है। तकनीकी कारण से ऑक्सीजन प्लांट खराब होने के कारण वहां पर ऑक्सीजन का काफी समस्या हो गया और पूर्णिया चूंकि मेडिकल के लिए हब माना जाता है, वहां पर काफी अस्पताल हैं, तो मैक्स हॉस्पिटल से, फातिमा हॉस्पिटल, सभी जगह से फोन आया कि यहां पर अगर तुरंत ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो भर्ती रोगी हैं उनके जीवन को खतरा हो सकता है। जिला प्रशासन के द्वारा भी काफी प्रयास किया गया, भागलपुर से भी कोशिश किया गया, वहां से भी ऑक्सीजन मंगाया जाए, लेकिन तत्कालीन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो करीब 200 रोगी को जान खतरे पर जा सकता था। तो मैंने अपनी जिम्मेवारी समझी और किशनगंज से जो माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है, यहां से हमने करीब 50 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन तुरंत पूर्णिया को उपलब्ध कराया। पूर्णिया से जेपी मिश्रा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।